हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सौम्या। सौम्याज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। और मेरे चैनल को 10 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा है। आज बनाएंगे काले चने की सब्जी। ये काले चने हैं जो करीब 6-8 घंटे पहले भिगो दिए थे, तो आप उबाल के भी बना सकते हैं। ये कच्चे काले चने हैं। ये 1 कप काले चने हैं। इसके लिए जो मसाला बनाना है उसके लिए हमको चाहिए 1 टमाटर मीडियम साइज का लिया है, 1 प्याज लिया मीडियम साइज की, 2 हरी मिर्च ली है और 1 इंच का करीब अदरक का पीस लिया है जिसको काट लिया है। इन सब का पेस्ट बना लेंगे। मिक्सी के जार में सभी चीज़ों को डाल देंगे। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बनकर के तैयार हो गया है। गैस पे कुकर रखेंगे क्योंकि हमें चने को गलाना है। अगर उबले हुए चने हो तो आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें चनों को उबालना है इसके लिए हम कुकर रख रहे हैं। कुकर में डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, वेजिटेबल ऑयल है, और 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। अब कुकर में डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। जीरा जब चटकने लगेगा साथ ही इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अगर ऑयल में हम हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालते हैं तो सब्जी में जो उसका कलर है वो बहुत अच्छा आता है। जीरा भुन चुका है, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च भी भुन चुकी है। अब इसमें डाल देंगे जो ग्रेवी पीसी है उसको, ग्रेवी को इस तरीके से मिक्स कर देंगे। ग्रेवी को करीब 2 मिनट तक भूनेंगे। साथ ही इसमें सभी मसाले भी डाल देंगे, जैसे कि धनिया पाउडर 1 1/2 टीस्पून, नमक टेस्ट के अनुसार 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। ये सब्जी फटाफट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। जो ग्रेवी है उसमें कितना अच्छा कलर आ रहा है। करीब 2 मिनट हो गए हैं ग्रेवी को उबलते हुए। अब इसमें हम चने मिला देंगे, चने को मिक्स कर देंगे। चने को मिक्स करने के बाद मिक्सी में जो मसाला चिपका रह गया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इस पानी को कुकर में डाल देंगे। ये करीब 1 कप पानी है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि चने को उबालना है। करीब 1/2 कप पानी और मिला दिया है। गैस को मीडियम स्लो हीट पर कर देंगे और 3 से 4 सीटी लगाएंगे। खोल करके देख लें 3 से 4 सीटी आने के बाद चने सॉफ्ट हुए हैं या नहीं हुए। अगर पानी कम लगता है तो पानी और डाल दें। चने अगर गले नहीं हैं तो 1-2 सीटी और ले लें। तो अब मैं कुकर को बंद कर देती हूँ। 3 से 4 सीटी आने के बाद गैस को बंद कर देंगे। कुकर में जो प्रेशर है वो निकल चुका है। खोल करके देखते हैं कि चने पके हैं या नहीं। ग्रेवी थिक हो गई है और चने अच्छी तरीके से गल चुके हैं। आप हाथ से दबा करके देख लें। अब गैस को फिर से ऑन करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। आप गरम मसाले की जगह किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं। साथ ही डालेंगे करीब 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी। हल्का सा क्रश कर देंगे मेथी को और मिक्स कर देंगे। ये सब्जी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। 10 मिनट में ये सब्जी बनकर के तैयार हो जाती है। बस अगर चने भीगे हुए हों तो सब्जी को बनने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। मीडियम स्लो हीट पर करीब 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे। अगर आपको ग्रेवी और ज़्यादा रखनी हो तो आप और पतली कर सकते हैं, और अगर थिक करनी हो, वैसे भी ठंडी होने के बाद चने की ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाती है। चने की सब्जी बनकर के तैयार हो गई है। आप चपाती के संग, पराठे के संग या पूड़ी के संग इस सब्जी को सर्व कर सकते हैं। अब इस सब्जी को सर्व करेंगे। अगर आपको ये काले चने की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। और ऐसी नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए सौम्याज किचन। बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।